दिक्कत फिर इस बात से है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आदमी, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष, कुछ लोग तर्क देते हैं भैया विपक्ष में लोग चोरी कर रहे हैं तो भाजपा पर क्यों छापा पड़े, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ठीक है वो भी मान लिया। आप देख रहे हैं केवल सच। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जन स्वराज के सुधर प्रशांत किशोर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बुलाए या किसी दूसरे को, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जाँच होगी, उसको सजा मिलेगी, जनता को उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है वो आदमी पलटकर अगर भाजपा में चला जाए तो जांच रुक जाएगी। लोगों को दिक्कत इससे है, लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव और अरविंद केजरीवाल टीएमसी के खिलाफ जांच चल रही है। अगर आपने गलती किया है तो सरकार जांच करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा है कि मान लीजिए, मैं ये भी तर्क मान लेता हूँ कि सब ईमानदार लोग भाजपा में ही हैं, सारे चोर बीजेपी में है। सबसे बड़े दिक्कत ये है कि जिस भी पक्ष के आदमी पर आप संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वो भाजपा में ज्वाइन कर ले तो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है, लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नज़र वे आदमी गलत था, तो दोषी था, जांच के योग था, तो भाजपा ज्वाइन कर लेने से साफ कैसे हो जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, तब लोगों को मन में ये बात आती है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग या आप जांच के लिए नहीं बल्कि उनको डराने के लिए करते हैं, ताकि लोग आपको सामने खड़े ना हो। लोकतंत्र में कोई आपका विरोध नहीं करेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल को बुलाए या किसी दूसरे को बुलाए, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता भी बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी और सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले, उससे जनता को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जाँच चल रही है या जिस पर जाँच चल रहा है, वही आदमी पलट कर अगर भाजपा में चला जाए तो जाँच रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत इससे है, लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव पर जांच चल रही है, कि अरविंद केजरीवाल पर चल रहा है, कि टीएमसी पर चल रहा है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होना चाहिए। दिक्कत फिर इस बात से है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आदमी, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष, कुछ लोग तर्क देते हैं भैया विपक्ष में लोग चोरी कर रहे हैं तो भाजपा पर क्यों छापा पड़े, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ठीक है वो भी मान लिया कि सब ईमानदार भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है, लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नजर में वो आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो भाजपा में ज्वाइन कर लिया तो साफ कैसे हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वह भाजपा वॉशिंग मशीन है, तो तब लोगों के मन में यह बात आता है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं उनको डराने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है।